बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन, हनुमान जी का नाम लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा, शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकली हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद बिहार और बंगाल में हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी, कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात, शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा बल सतर्क। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण, 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंग बली की भव्य और विराट मूर्ति। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर उठाए थे सवाल। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया, बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने नहीं दिया सम्मान, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित किया। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यरूशलम की मस्जिद पर हमले के विरोध में इसराइल के खिलाफ खड़े हुए इस्लामिक देश तुर्की ने भी दी चेतावनी, विरोध में कई देशों में प्रदर्शन। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।